Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes, Nizampura and Saraswati School of Commerce, Nizampura, Vadodara. Last lecture में हमने start किया था comparative statement of profit and loss and common sense statement of profit and loss. Chapter 4 था accounting part 2 में. Page number आज आपको देखना है 204 पे. Example number है आपका आज 6. A lecture number 2nd में example number 6 and 7 दो example आज हम complete करने वाले हैं. तो देखिए सबसे पहले textbook में page number 204 पे. Page number 204, example number 6. पहले मैं example explain कर रहा हूँ, बाद में मैं यहाँ पे पूरा example लिखने वाला हूँ. देखिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 16 एंड 31 मार्च 17 ऑफ शंकर लिमिटेड आर गिवन एज फॉलोज. प्रिपेयर कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. पहले दिया है सेल्स रेवेन्यू, तो आपको लिखना है फर्स्ट सेल्स रेवेन्यू. बाद में दिया है अदर इनकम, तो अदर इनकम बाद में करना है आपको टोटल रेवेन्यू. नेक्स्ट वन इज एक्सपेंसेस. इसमें फर्स्ट दिया है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, बाद में है नेट परचेज फॉर रीसेल, बाद में दिया है चेंजेस इन स्टॉक, बाद में दिया है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, नेक्स्ट वन इज ए फाइनेंशियल कॉस्ट एंड लास्ट वन इज द डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन अमाउंट. यहाँ पे आपको लिखना है सर, बाद में करेंगे टोटल. इनकम में से एक्सपेंस करेंगे लेस तो आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स. बाद में टैक्सेशन प्रोविजन किया है 30% लेस करने के बाद आपको मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ये एग्जांपल थोड़ा बड़ा है, एग्जाम में छोटा एग्जांपल होगा, 3 लाइन या तो 4-5 लाइन तक, ये थोड़ा ज्यादा है, फिर भी एक बार देखते हैं तो आपको पता चलेगा. फर्स्ट है सेल्स रेवेन्यू, मगर आप कहाँ पे गलती करेंगे, अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, फिर भी ये होगा ही होगा. पहले आपको लिखना है 2016, बाद में 17. तो 16 में है 45 लाख एंड बाद में दिया है 60,75,000. ओके, नेक्स्ट वन अदर इनकम. पहले 16 में था 10 लाख, बाद में हो गया है 7 लाख. ये दोनों का टोटल आपको करना है, आराम से कर सकते हैं 55 लाख. यहाँ पे होगा 67,75. एक्सपेंस में फर्स्ट दिया है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. अमाउंट इज पहले 30 लाख, बाद में है 36 लाख. नेक्स्ट वन इज ए नेट परचेज फॉर रीसेल. अमाउंट दिया है आपको पहले था 2 लाख, बाद में है 270. नेक्स्ट वन चेंजेस इन स्टॉक. पहले अमाउंट था 970, बाद में हो गया है 90. नेक्स्ट वन एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस. पहले था 4 लाख, बाद में है 560. नेक्स्ट वन फाइनेंशियल कॉस्ट. फाइनेंशियल कॉस्ट में भी पहले था 90,000, अब हुआ है 135. एंड लास्ट वन आपको दिया है डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइज अमाउंट. पहले आपको दिया है 70, बाद में हो चुका है 105. ये टोटल आपको करना है. देखिए टोटल के लिए
32,70,000 ડાયરેક્ટ આપે તો 30 લાખ 2 લાખ એટલે 32,70,000 32,70 इसमें प्लस करेंगे 490,000 प्लस करना है आपको 70,000 टोटल हो जाएगा 55 में से लेस करना है आपको 55 लाख तो आपको मिलेगा 16,70,000। नेक्स्ट वन उसका 30% करना पड़ेगा इंटू 30% करेंगे तो हो जाएगा 501 और माइनस करेंगे नेट फिगर हो जाएगा 1169। ओके सेकंड में 36 प्लस 270 3870 प्लस 90,000 प्लस 560 प्लस 135 एंड प्लस 105,000 ये हो जाएगा 47,60,000। इसमें से ये आपको करना है लेस माइनस, एक बार चेक कर लेते हैं 3870 प्लस 90 प्लस 560 प्लस 135 प्लस 105 4760। यस इसमें से आपको करना है माइनस ये 6775 में से लेस कर 6775 माइनस करेंगे 4760 तो आपको मिलेगा 20,15,000। आपको करना है इसका 30% तो मिल जाएगा 604,500 करेंगे माइनस तो हो जाएगा 14,1410,500। ये हो गया यहाँ तक का आपका कंप्लीट। अब इंक्रीज डिक्रीज रुपीस के लिए क्या करना है आपको, 20 कॉलम माइनस 20 कॉलम 6075 माइनस 45 तो होगा 1575। ये तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है 1575,000। 7 माइनस 10 करेंगे तो 3 लाख क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। अब देखिए दिस माइनस दिस या तो ये दोनों का टोटल ये पॉजिटिव है नेगेटिव तो मेरे को दिखाई दे रहा है 1275 पॉजिटिव दिखाई दे रहा है दोनों का टोटल। 36 माइनस 30 तो यहाँ पे हो जाएगा 6 लाख 270 माइनस 2 तो हो जाएगा 70,000। यहाँ पे देखिए 90 माइनस 70 तो आपको मिलेगा 20,000। 560 माइनस 4 आई थिंक 160। 135 माइनस 90 45,000 एंड लास्ट में 105 माइनस 70 35,000 कितना होगा। ये सबका टोटल करो या तो दिस माइनस दिस ये टोटल करने में आपको ज्यादा देर लगेगी तो मैं क्या करने वाला हूँ 20 माइनस 3 यहाँ पे देखिए 4760 माइनस 3830 तो आपको मिलेगा 930,000 टोटल करेंगे मैं तो भी 930 ही होगा। अब क्या करना है 20 माइनस 3 या तो 20 माइनस 3 12,75,000 माइनस 9,30,000 तो आपको मिलेगा 345। इसमें से एलएस करेंगे तो भी 345 ही होगा उसका 30% आपको करना है तो ये हो जाएगा 103,500। ये माइनस करेंगे तो भी 103,500 भी होगा और इसमें से ये लेस करो या तो इसमें से ये लेस करो आंसर उठ से 241,500। अब आपको ढूंढना है परसेंटेज। परसेंटेज के लिए क्या करना है आपको यहाँ पे 000 में कॉमन निकाल रहा हो देखिए 1575 डिवाइडेड बाय 4500 इंटू 100 35% बराबर है
यहाँ पे देखिए 3 डिवाइडेड बाय 10 इनटू 100, 3 डिवाइडेड बाय 10 इनटू 100, तो ये हो जाएगा 30%, मगर साइन कौन सी होगी? नेगेटिव। पता चला नेगेटिव क्यों रखा है मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये नेगेटिव फिगर है। यहाँ पे देखिए 1275 डिवाइडेड बाय 1500, 1275 डिवाइडेड बाय 1500 इंटू 100, तो आपको मिलेगा 23.18 पॉजिटिव। नेक्स्ट वन 6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 50 कॉमन, 6 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100, 20% कितना हो रहा है? 6 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100 जस्ट 20%। यहाँ पे देखिए 7 डिवाइडेड बाय 20, 7 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, तो आपको मिलेगा 35%। 22 डिवाइडेड बाय 7, 2 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 100, तो आपको मिल जाएगा 28.57। नेक्स्ट वन 16 डिवाइडेड बाय 40, 16 डिवाइडेड बाय 40, 40%। अगेन 45 डिवाइडेड बाय 90, यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है 50%। 35 डिवाइडेड बाय 70, यहाँ पे भी 50%, बराबर है 50, चेक कीजिए जरा 50 ही होगा, ऐसा ही सोचो ना, यदि अलग आता है तो अलग लिखने का। अब देखिए टोटल नहीं करने का, यहाँ पे देखिए 93 डिवाइडेड बाय 383, 4 टाइम 0 में कॉमन निकाल रहा, 93 डिवाइडेड बाय 383 इंटू 100, तो आपको मिल जाएगा 24.28। अब लास्ट टाइम आपको करना है, बाद में रिपीट, 345 डिवाइडेड बाय 1670 करना है आपको, 345 डिवाइडेड बाय 1670 इंटू 100, तो आपको मिल जाएगा 20.66 होगा, 658 है इसलिए 66, 20.66%। रिपीट करो 20.66%। यदि चेक करना है तो आप कर सकते हैं, 300 कॉमन निकाल रहे हो, 2415 डिवाइडेड बाय 11690 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो 20.66% होगा। ये एग्जाम्पल नंबर आपका हो गया 6। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने के लिए जा रहा हूँ, आपका एग्जाम्पल नंबर 7 बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सेम पेज नंबर है एग्जाम्पल नंबर 7, इसमें एक नया पॉइंट है इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 एंड 31 मार्च 2017 ऑफ मीना कंपनी लिमिटेड आर एज फॉलो, प्रिपेयर कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सबसे पहले आपको दिया है सेल्स रेवेन्यू, बाद में दिया है अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू आपको टोटल करना है, बाद में आपको लिखना है एक्सपेंस, एक्सपेंस में फर्स्ट दिया है नेट परचेज,
बाद में दिया है अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंस की ब्रैकेट में लिखा है, क्या लिखा है, परसेंटेज ऑफ सेल्स फर्स्ट ईयर में 22%, तो किसका 22% करेंगे आप, 45 लाख का 22%। सेकंड ईयर में दिया है 18%, किसका 18% आपको करना है, 52 लाख का 18% आप करेंगे। बाद में दिया है चेंजेस इन स्टॉक, एंड बाद में दिया है इनकम टैक्स रेट 30%। ओके, तो चलो करते हैं हम शुरुआत। सबसे पहले आपको दिया है सेल्स रेवेन्यू, आपको लिखना है पहले 2016 मेरे को दिखाई दे रहा है 52 लाख, और बाद में है 45 लाख। नेक्स्ट वन, पहले 16 में 52, अदर इनकम पहले 16 में दिया है आपको 10 लाख, एंड 17 में दिया है 2 लाख। ये टोटल आपको करना है, टोटल रेवेन्यू। यहाँ पे होगा 47 लाख। एक्सपेंसेस में फर्स्ट दिया है नेट परचेज, नेट परचेजेस पहले दिया है 38 लाख, बाद में है 42 लाख। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है अदर एक्सपेंसेस, ये इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ईयर में दिया है 22% ऑफ सेल्स, तो आपको करना है यहाँ पे देखिए 2000 पहले 16 का आपको करना है, 16 में दिया है 18%, तो यहाँ पे देखिए 18% ऑफ इसका 18% करना है सेल्स को। 16 में आपका सेल्स था 52 लाख, तो आपको 52 लाख 18% करेंगे यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट वन, दूसरे ईयर है 2017 में 22% ऑफ सेल्स दिया है, तो सेल्स का 22% 45 लाख है आपका सेल्स। ओके, थोड़ी देर के बाद करता हूँ। मैंने लास्ट दिया है चेंजेस इन स्टॉक, ये इम्पोर्टेंट है, चेंजेस इन स्टॉक। देखिए फर्स्ट ईयर 16 में था 1 लाख नेगेटिव, सेकंड ईयर में था 2 लाख नेगेटिव। ओके, अब देखिए यहां पे मैं परसेंटेज कर देता हूं, 52 लाख इंटू 18%, ये हो जाएगा 936000, एंड यहाँ पे है 22% ऑफ 45 लाख, इंटू 22%, ये हो जाएगा 990। ओके, बाद में आपको करना है यहाँ पे टोटल एक्सपेंस का, टोटल इनकम में से एक्सपेंस करना है लेस, एक्सपेंस का टोटल कैसे करेंगे आप, 38 लाख प्लस 936000 एंड माइनस, ये नेगेटिव है इसमें माइनस 1 लाख, तो आपको मिलेगा 4636। आगे देखिए 62 में से ये करना है लेस, 62 लाख, तो आपको मिल जाएगा 15 लाख 64,000। 30% है टैक्स रेट, यस 30% इंटू 30% करेंगे तो ये हो जाएगा 469,200, ये आपको मिलेगा पीएटी, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, माइनस 1094,800। सेकंड ईयर में देखिए यहाँ पे 32 लाख
प्लस 990 प्लस 17 में 990 माइनस, ये माइनस है बोला, तो आपको मिल जाएगा 3990। अब देखिए 47 में से ये करना है आपको लेस, ये हो जाएगा 710। 710 में का 30%, ये हो जाएगा 213। और लास्ट में माइनस करेंगे 497। सब तो सिंपल बाकी रहा है, मगर यहाँ आपको लेस करने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए 30 माइनस 30 तो आपको पता है। यदि यहाँ पे प्रॉब्लम है, एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर भी एग्जाम में भूल जाएंगे, ये लेस करेंगे तो क्या होगा, पहले ब्रैकेट देखने का ही नहीं, 2 माइनस 1 1, यहाँ पे 1 होगा नेगेटिव। फिर भी यहाँ पे देखिए, मैं ये लेस कर देता हूँ, 3990 माइनस 46 36 46 36, तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 646 नेगेटिव। ये आपको पता चलेगा, ये भी पता चलेगा, ये दोनों है, इसमें से ये लेस करना है आपको, और जो भी डिफरेंस आएगा वो लिख दो ना, तो भी पता चलेगा। यदि एग्जाम में जब जाते हैं तब यदि प्रॉब्लम हो रहा है कि इसमें से ये लेस करेंगे, तो कोई लोग ऐसा -2 -1, तो यहाँ पे -3 लिख के बैठ जाएगा, ये गलत है। तो देखते हैं, यहाँ पे देखिए 45 -52, तो 7 लाख माइनस हो जाएगा, आई थिंक नेगेटिव 7 लाख। 2 -10 8 लाख नेगेटिव। नेक्स्ट वन 47 -62, 47 -62 15 लाख माइनस। यहाँ पे देखिए 32 -38 6 लाख नेगेटिव। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव हो जाएगा, 20 -30 नेगेटिव होगा, 990 -936, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव है 54। आपको टोटल ये करना है 646 नेगेटिव, तो यहाँ पे देखिए 2 -1, तो यहाँ पे होगा 1, मगर कौन सी साइन होगी, पॉजिटिव, 2 -1 यस पॉजिटिव होगी, ये ज्यादा है ये कम है, तो 2 में से 1 लेस कीजिए, पॉजिटिव, देखते हैं, नहीं सॉरी नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, इसलिए तो नेगेटिव ही आने का है उसको, तो 6 + 1, ये नेगेटिव प्लस नेगेटिव ये दोनों प्लस होगा, ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया आपका 2646 नेगेटिव। ओके, अब लास्ट में ये में से ये लेस करना है, ये भी दिक्कत होती है, ये भी नेगेटिव है, एक भी नेगेटिव है, तो 20 - 20 तो कर सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए 7,10,000 माइनस 15,64,000, तो आपको मिलेगा 854 नेगेटिव, 854 नेगेटिव। ओके, अब 854 का आपको करना है 30% इंटू 30% करेंगे, तो ये भी नेगेटिव होगा, 256 200 नेगेटिव। इसमें से ये लेस करेंगे तो भी नेगेटिव होगा, इसमें से ये लेस करो या तो इसमें से ये लेस करो, आंसर वुड बी सेम, ये हो जाएगा 5 लाख समथिंग, 497000 माइनस 1094800, तो आपको मिलेगा 597800 नेगेटिव। परसेंटेज सभी जगह पे नेगेटिव आने वाला है, एक जगह पे पॉजिटिव होगा। ओके, तो चलो परसेंटेज 7/52, 7/52 इंटू 100, तो आपको मिलेगा 13.46% नेगेटिव। 8/10, 80% होगा आई थिंक, 8/10 इंटू 100,
Yes, 80% negative. Again, 15 divided by 62 into 100, ये भी हो जाएगा negative. Again, 15 divided by 62 into 100, ये भी हो जाएगा 24.19. मगर negative. 6 divided by 38 into 100, ये होगा 15.79. ये भी नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव होगा. 54 divided by 936 into 100, ये हो जाएगा वो 5.77. पॉजिटिव है. अगेन नेगेटिव, 1 divided by 1 into 100, यहाँ पे 100% आपका होगा नेगेटिव. अगेन देखिए, 646 divided by 4636 into 100, तो आपको मिलेगा 13.93% मगर नेगेटिव. लास्ट में देखिए, 854 divided by 1564 into 100, तो आपको मिलेगा 54.60 नेगेटिव. यहाँ पे रिपीट होगा 54.60% नेगेटिव, ये भी 54.60% नेगेटिव. ये हो गया आपका एग्जाम्पल खत्म. आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट बस सिर्फ यहाँ पे था, इज माइनस दिस, 2 lakh minus 1 lakh, तो 1 lakh, मगर ये दोनों नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे भी फिगर होगी नेगेटिव. इज इट क्लियर? ये एग्जाम्पल आपका 70 यहाँ पे हो गया है कम्प्लीट. यहाँ से आगे का जो एग्जाम्पल है उसमें कंपेरेटिव स्टेटमेंट ही है, मगर मिसिंग फिगर है, वो हम एग्जाम्पल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, बाय बाय.